सुल्तान सुल्तान हाँ। आए बड़े एक हफ्ते में अपने फ्रेंड्स को, ए पिंकी चल ना निकल यहाँ से। पिंकी पिंकी अच्छा कर रही है, रितु कमाल करती, ए गुंजिता ए शिखा और अनुषा कड़क है तू, हाँ चल निकल। जोर जोर तालियां। कैसे है सर? वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स लाइव। आइए सर। सर आप आए हैं तो आज हमने महंगी ऑडियंस बुलाई है, वो देखिए पूजा कश्मीरा ये सब 1500-1500 में ताली हो जाती हैं, अपना समोसा खाती हैं, निकल जाती हैं। 500 करोड़ का बंदा सलमान खान 150 रुपए के लंगोट में मिट्टी में कैसे गुत्थम गुत्थी हो रहे थे? कौन कहता है कि हीरो लोग को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? कितना स्ट्रगल किया इन्होंने, जोरदार तालियां। सर जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए थे लंगोट पहन के, थोड़ी सी शर्म आई थी कि ऐसा थोड़ा हाथ वाथ रखा था ऐसा, थोड़ा फूलदान के पीछे रहे या पहलवान के पीछे, क्यों सीधा ऐसे चल के आ गए थे? पूरी शर्म आई थी सर, मतलब बहुत शर्म आई थी। 1.5 घंटे लगे थे हाथ यहाँ से निकालने के लिए। यूं ही बैठा था मैं, यूं ही बैठा था, और इसमें ऐसा लग रहा था मैं कुछ भी नहीं पहना हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे बैठा हूँ, किसी को लगा नहीं, लोग ये ना सोच ले पीके पार्ट 2 बन रही है। लेकिन सर जब शूटिंग के बाद ऐसा कुश्ती वुश्ती के बाद अपने रूम में आते थे तो रेत रेत निकलती थी जगह जगह से, होता था काफी काफी, करीबन 1.5-2 किलो रेत निकलती थी। इतनी रेत कहाँ घुसती थी सर? क्या हो जाता है, इधर उधर से निकल जाती है रेत। लेकिन सर आप बाकी दूसरों की बड़ी हेल्प करते हैं, लंगोट जो आज तक कभी ऑन स्क्रीन नहीं आया सर, उस बेचारे को आपने ऑन स्क्रीन ला दिया, उसकी लाइफ बना दी सर, क्या बात है। अभी देखना सर। अरे दारा सिंह जी ने पहना था लंगोट, है ना दारा सिंह जी। आने वाले दिनों में देखना लोगों ने सूट के ऊपर लंगोट पहना होगा, इतना हिट हो जाएगा ना, नया स्टाइल होने वाला है। लड़कियां साड़ी के ऊपर देखना, ओह नाइस लंगोट, रेड लंगोट, झालर वाला लंगोट, ये दिस इज सुल्तान लंगोट। झालर वाला लंगोट कट होता था तो थोड़ा घूमते रहते थे ऐसे ही के तुरंत वो रोप आ जाता था। रोप आ जाता है हां, एक चद्दर आ जाता था। तो ऐसे सर रेत रूत होती खुजली खाली होती थी, ऐसे करते थे पब्लिक प्लेस में के एक मिनट ब्रेक ऐसे खुजा के आते थे चीजें। खुजाया था सर? खुजाया नहीं था, झटका था काफी बार। हाँ ऐसे ऐसे करके, हाँ थोड़ा थोड़ा सही है, यूं यूं करके फिर हमने आपके ट्रेनर देखे, इतनी मेहनत देखी है, मतलब इतने तगड़े तगड़े लोग थे, पछाड़ रहे थे आप उनको, सच में सर आपने उठाया जी था? हाँ जी जी, उठाना पड़ता था सर। कोई ऐसा था कि जिसको उठाते वक्त सलमान खान भाई निकलो? सर हमको पूरा यकीन है कि सुल्तान सुपर हिट है, क्योंकि आपने जो पहली फिल्में की हैं, एक में शर्ट उतारी ओए होए सुपर हिट, दूसरे में शर्ट उतारी वो उससे ज्यादा सुपर हिट, इसमें तो सर पैंट ही उतार दी, ये तो सुपर सुपर हिट जाने वाली है। वैसे सर कभी आपने ऐसा सोचा कि मतलब ऐसे कोई बात कर रहे हो, बच्चे शोर मचा रहे हो, बच्चा कुछ पूछ ले तो आप गुस्से में आके बच्चे को मारते नहीं, हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बच्चों को मारना, बच्चा भगवान का रूप होता है, बच्चा भगवान का रूप होता है। चलो भाई आज सलमान खान से फिर टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मेरे को तो मार ही नहीं सकते, इन्होंने कहा बच्चा भगवान का रूप होता है। हाँ बस तैयार हो? चलिए सर पहला सवाल, सलमान खान किस चीज से डरता है? सलमान खान इन सब चीजों से बहुत डरता है। किन सब चीजों से सर? इन सब चीजों से। सर आपने मुझे चीज कहा। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। आपको गुदगुदी होती है सर? सच्ची में आपको सर गुदगुदी होती है? हाँ बहुत होती है।
एक मिनट। अरे सर दूसरा सवाल जी, ऐसा कौन सा आपकी लाइफ में बंदा है जो एक फोन करे तो आप सारा काम छोड़ के उसके पास चले जाओगे? बंदी है। कौन सा? एक है अभी। है। ऐसे ना करो सर, आंटी बैठे खुश हो जाएंगी, उनकी तरफ जाना चाहिए। इस वक्त मौजूद है यहाँ पर? मैं बैठी हूँ ऑडियंस में। कश्मीरा शाह के लिए जोरदार तालियां। कृष्णा तो लूट गया भैया। नहीं कृष्णा तो बच गया सर, आपने कश्मीरा को बोल दिया आपकी वाट है अभी। आपने बहुत सारे एक्टरों के पेट में लात मारी, इतनी हिट फिल्में देखे, अभी आप गाने गा रहे हैं तो सिंगरों के पेट पे भी लात मार रहे हैं। सर आप वैसे, आपको शौक चढ़ा है पिछले साल से गाना गाने का कि ये जो फिल्में बनाते हैं ये बोलते भाई ये गाना गा दो ना हिट हो जाएगा भाई प्लीज भाई। यही है, यही है। ऐसे बोलते हैं ना? ऐसे ही बोलते हैं कि भाई ये गाना गा दो। सर वो सच बोलते हैं यार, हिट हो भी जाता है। जैसे ये लोग कहते हैं भाई गा दो ना गाना हिट हो जाएगा भाई गा दो ना। अरे सर सीधे सीधे सवाल, कभी ऐसा हुआ कि आप नहा रहे झाग वाग सब किया? ये सवाल मैं बता दूं, मैंने शाहरुख सर से भी पूछा था कॉमेडी शो में, उन्होंने कहा था सलमान आएगा तो जरूर पूछना, तो आपकी दोस्त की फरमाइश है कभी ऐसा हुआ सर आप नहा रहे झागो झाग किया पूरा इधर से उधर घुमा रहे और आपने टर्न किया और शीशे में अपने आप को देखा, मुंह से निकला हाय नंगा सलमान? हुआ सर कभी ऐसा? आपकी खुद की कभी हंसी निकली अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। अरे लगता काफी बार हुआ। चलिए आगे करते हैं सर, आप बहुत, जैसे सब लोग बहुत बिजी होते हैं, हम गलती में जल्दी जल्दबाजी में घड़ी भूल जाते हैं, घर पर्स भूल जाते हैं, टाई भूल जाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप वॉशरूम गए हो फ्लश करना भूल गए हो? ये मेरे माइंड में हमेशा से ये थॉट रहता है, एक ये एक डर रहता है, तो मैं हमेशा बार बार चेक करता हूँ। सबको लगा होता है कि पेट खराब है बार बार जाते हैं। नहीं मतलब कि निकलने से पहले बाथरूम में, एक कस्टम है, रिचुअल है। पक्का ना सर? ठीक है चलिए अगला सवाल सर। इधर वैन चेक करके आया, दो मिनट दो मुझे। मैंने देख लिया क्लीन था सर। चलिए सर अगला सवाल, कभी आप लिफ्ट में हो और आपके साथ टॉप की हीरोइन है, आप जा रहे हो ऊपर 18वें माले पे, मीटिंग है और पूरी बातें हो रही है यू नो सलमान यू नो ऐसे करके, और तुरंत आपको लगा कि अभी 5वें माले पे पहुंचे हो और उधर लिफ्ट में वातावरण दूषित हो गया है और आपको पता है कि मैं नहीं हूँ और उस हीरोइन को भी पता कि मैं हूँ, तो क्या उस हीरोइन को आप अगली फिल्म में कास्ट करेंगे पदौड़ी को? सॉरी सर हो जाता है, नेचुरल थिंग्स है यार। हुआ सर कभी ऐसा और टॉप की हीरोइन ने अच्छे अच्छे गाने किए, मतलब महंगी हीरोइन, और आपको लगा यही है मैं तो हूं नहीं? चलिए हमारी हीरोइना के लिए जोरदार तालियां। कौन सी वाली याद आई सर? कभी ऐसा हुआ? नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं ऐसा नहीं सर, सब करते हैं सर, ये होता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। कोई बड़ी मीटिंग में आप बैठे उठते वक्त घड़न ऐसा हुआ कभी? एक्सक्यूज मी, तो आपने उसमें ही ले लिया अपने उसे टेबल टूबल बजाने में? पता है ना सर होता है, मेरा बहुत होता है। ऐसा एक बार ना मैंने 2-in-1 किया था, आपको पता है मेरे को कोल्ड हुआ था और मेरा पेट भी खराब था, मैंने ऐसे छीका, मैं कहा इंच प्रेशर पड़ा तो
क्या होता है सबका, ऐसा हो गया था सर। बट वो गाने का मैंने म्यूजिक तेज कर दिया, फिर उसमें मिक्स हो गया। तो चलिए एक बार सलमान सर के लिए जोरदार तालियां।